हाँ तो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल? जय श्री राम। और भाई कैसे हो आप लोग? तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि भाई लास्ट सर्कल तक किस तरीके से सर्वाइव किया जाता है भाई, मतलब हील विल करके किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं लास्ट जोन में, ठीक है। तो लेकिन 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 भाई ये देखो यार, आप वीडियोस देखते हो बस खाली, ठीक है, खाली मेरे को व्यूज़ जा रहे भाई, सब्सक्राइबर्स कुछ भी नहीं बढ़ रहे, कुछ भी नहीं बढ़ रहे। ओनली भाई 3 से 4 सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं पर वीडियो में, ठीक है। आप सब्सक्राइब नहीं करो यार, बहुत गलत है। मैं रोज़ टिप्स एंड ट्रिक्स डालता हूँ, थोड़ा सा बुरा लगता है गाइस, थोड़ा ठीक है। सपोर्ट करो, मतलब सब्सक्राइबर्स करो और शेयर भी करो, ठीक है। बहुत सारे बंदे करके बोल रहे थे कि भाई आपसे बोल रहे हो करके दिखाओ, ठीक है, मतलब भाई फोर्थ सर्कल में किस तरीके से जाएंगे वो करके दिखाओ, ताकि हम समझ सकें कि भाई किस तरीके से आपने को मतलब फोर्थ सर्कल में जोन में जाना है, ठीक है। तो भाई देखो, मैं 4 सर्कल यहाँ पे मस्त हील वील किया, और भाई हील करने के बाद में मेरे पास अभी हील कम था, तो मैं इधर से कल्टी मार के भाई सीधा जोन की तरफ निकल जाता हूँ। और भाई बिकॉज मेरे गाड़ी में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इस वजह से मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तभी एक बंदा दिखता है भाई, बंदा मेरे को मार दे, इसके पहले मैं थोड़ा सा गाड़ी इधर उधर हिला के भाई सामने चल जाता हूँ, ठीक है। और अभी इसके पास में गाड़ी था, तो मैंने थोड़े दिमाग लगाया भाई, फ्री किल काहे को छोड़े, ये बंदा पक्का आएगा, मेरे को पता था। मैं यहाँ पे गाड़ी लगाता हूँ और जाता हूँ भाई ऊपर, मेरे को पता था 100% ये बंदा इधर से आएगा। और भाई मैं देखो इधर से आता हूँ मारता हूँ, तो भाई मैं इसको क्या ही गंदा गिरा देता हूँ, इसके साथ में मेरे को ये किल फ्री किल मिल जाता है, तो जल्दी से मैं इसको लूट लेता हूँ। तो भाई मेरे को यहाँ पे 2 हील किट्स और मिल जाता है, तो भाई और मतलब अच्छा लगता है, और एमओ भी मिल जाता है, तो मैं जल्दी से इसको लूट लेता हूँ एक बार, ठीक है। थोड़ा सा माइक हिला रहा था, उसकी वजह से गड़बड़ हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जल्दी से हम इधर हील कर लेते हैं, और भाई आप जल्दी से कर लेते, ठीक है। हील थोड़ा सा जल्दी मार लिया करो, ठीक है भाई, कभी कभी नेट का प्रॉब्लम हो जाए ना बीच में, तो भाई माइनस लगेगा, डर लेता है। तो भाई आपका पिंग ठीक ही रखना इस टाइम पे, बिकॉज भाई बहुत ही गंदा, आपको मतलब बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे अगर इधर आपको मैच गंदा गया ना, सेम है जोन के बाहर अगर आपकी पेटी पड़ेगी ना, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर से अपन आप इस तरीके से मैच नहीं खेल पाओगे, ठीक है, सही में नहीं खेल पाओगे। एक भी अगर मैच आपको ऐसा वेस्ट हो जाता है कि भाई नेट की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से आप जोन के बाहर मर जाओगे, तो भाई आपका एक भी मैच सामने अच्छा नहीं जाएगा, आप इसी चक्कर में रहोगे कि भाई यार क्या मेरे को कोई फ़ायदा ही नहीं है इसमें, मतलब ये करके वो करके, ठीक है, आप कंटिन्यू डिमोटिवेट रहोगे, तो इसकी वजह से बोल रहा हूँ वो सीन मत कर लेना अपने साथ में, ठीक है। तो भाई देखो जल्दी से मैं अब जोन में आ गया, और जल्दी से अब एक बंदा आ रहा था मेरे पास में, तो मैं उतरने का ट्राई किया उसको, बट वो उतरा नहीं, भाई थोड़ा सा 1 HP रह के वो छूट गया, ठीक है। तो मैं जल्दी से अब ओपन में था, तो मैंने सोचा भाई इधर से नहीं रुको, जल्दी यहाँ से गाड़ी निकलता हूँ और जोन के अंदर भाई अच्छा खासा रिच विच पकड़ता हूँ, बिकॉज फुल ओपन जोन है, अभी मेरे को रिच विच ही पकड़ना था, या फिर कंपाउंड पे ऑलरेडी बंदे होंगे मेरे को ये पता था, ठीक है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे गड्ढे में गाड़ी चलाता हूँ और गड्ढे चेक कर लेता हूँ कौन सा गड्ढा ज़्यादा सेफ रहेगा बोलकर, तो ये गड्ढे में कोई नहीं था, और यहाँ पे भाई एकदम सेफ जगह भी थी, यहाँ पे फुल ड्रिश थी, तो यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। बट इस वाले क्या नसीब था पता नहीं यार, क्या तो क्या नसीब था, इस वाले गेम में आ जाता है मेरे सामने हैकर, तो ये पहला हैकर है जो मेरे को भाई आज फेस करना पड़ा है इस टाइम पर, ठीक है। तो भाई आज हमारा मेन टॉपिक तो यही था कि भाई किस तरीके से आपको रोटेशन लेना है 4 सर्कल का, और भाई कैसे आपको मतलब कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से भाई ऐसे अगर करोगे ना एस पे, तो बहुत ही प्लस मिलेगा इस तरीके से खेलोगे तो, और अगर टॉप 10 हुआ तो और बड़ी बात, और ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये बढ़िया हो जाएगा आपको प्लस वगैरह एकदम। तो देखो भाई आपको बस बंदे स्पॉट करके मारने, बस ज़्यादा ऊपर मत जाना भाई, ठीक है, ज़्यादा ओपन जाओगे यहाँ से वहाँ से कहीं से भी पड़ सकती है अपने को, तो आपकी पेटी बन जाएगी उधर, तो इसी वजह से वैसा मत करना कोई चीज़। तो ये बंदा यहाँ पे आ जाता है, तो भाई मैं इसको भी पेल देता हूँ बहुत आसानी से। इसके बाद मेरे 4 किल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे, तो अब मैं भाई नेक्स्ट टेस्ट भी अगर बढ़ रहा था कि भाई मेरा टॉप 10 हो जाए, बस थोड़ा सा अभी मैं देख रहा था, तब तक मैं इधर उधर ओपन वाली किल्स ट्राई करता हूँ कि भाई कोई दिख जाए और मैं उसको पेल दूँ, ठीक है। बिकॉज ओपन वाली किल्स भाई छोड़ना बहुत ही, अगर छोड़ रहे हो तो आप बहुत ही गलत हो, ठीक है। तो अभी देखो मेरे ऊपर से एक हैकर आ जाता है भाई, मेरे ऊपर से आता है, और देखो भाई क्या ही गंदा मेरे को पेल के चला जाता है। मेरे को स्टार्टिंग में लगा ये डिजिट बंदा है भाई, बाद में जब मैं इसका गेम प्ले देखा ना, जब बंदे इसने कुचलना स्टार्ट कर दिया था लास्ट सर्कल में भाई, कसम से भाई तब पता चला इंसान ये हैकर था। तो जल्दी मैंने उसको रिपोर्ट मार दिया, और भाई जैसे मैच खत्म हुआ बंदा बैन हो गया, ठीक है। तो क्या ही भाई उसका सीन ही गलत था, मैंने रिपोर्ट तो चढ़ा दिया था, और जैसे भाई क्या ही करो, खतरनाक बैन हुआ बंदा, जैसे मैं गेम के बाहर गया बैन का नोटिस आ गया मेरे को थोड़ी देर में। तो ये सीन मेरे को पसंद आया, विजय मेरे का अच्छे एंटी चीट चलती है एकदम मस्त, ऐसे चलाते रहो यार एंटी चीट को,
ताकि भाई हमारे भाई जो भी प्यारे प्यारे भाई है सब्सक्राइबर्स है वो भाई उनका बैंक पुश हो जाए। ठीक है, और भाई मैंने क्या दिक्कत कर दी मेरे को बताओ यार, आप सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को जल्दी यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ ब्रो। बहुत ही कम भाई क्या है मतलब, तो हर एक वीडियो में बस 5 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बंदे तो वही एक वन वन के व्यू जा रहे हैं, दो दो के व्यू जा रहे हैं, 3 के व्यू जा रहे हैं, और क्या सब्सक्राइबर एक भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा ना यार। तो थोड़ा सपोर्ट भी मांगता है ना आपके भाई को, आपका भाई डेली वीडियो डालता है अच्छे अच्छे टॉपिक के लिए ऊपर। तो ये देखो हैकर आ गया मेरे ऊपर, तो देखो भाई ये मतलब क्या ही मारा, ये आया भी मेरे को पेल के भी गया भाई, तो देखो भाई क्या ही सन्नाटा भाई एकदम खतरनाक करो मेरे को भाई। यहाँ पे थोड़ा सा शक हुआ था नॉर्मल, तो देखो यहाँ से मैंने 15 प्लस मिल गया मेरे को क्रॉन वन पे, और क्रॉन वन पे एस पे सेम प्लस मिलता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहती है, सेम प्लस मिलता है आपको क्रॉन वन और एस का। ठीक है, तो ये भी सेम ही है, आपको 15 प्लस ही मिलता है एस पे हो अगर होते तो। ठीक है, तो देख लो भाई इस तरीके से सीन है मेरा, मतलब मैं वो इस सर्कल में मरा तो भाई मेरे को 15 का प्लस मिल गया, और टॉप 23 या 4 के आसपास में मर 4 के आसपास में मर गया था। तो भाई देखो इस तरीके से मैं इसको साले को रिपोर्ट ठोकता हूँ ताकि ये बैन हो जाए जल्दी से, और जैसे ये करता हूँ बैन हो जाता है भाई ये बंदा सही में। ठीक है, तो देखो 6 किल है बंदा भाई, क्या ही गंदा भाई, मतलब इतना गंदा बंदे पेलता है ना ये सही में, आप देख के शौक हो जाएगा। मैंने बीच में बंद कर दिया था, मैंने सोचा चलो ठीक है भाई वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, बट भाई वीडियो का एंड नहीं था वहाँ पे, तो उल्टी शुरुआत थी भाई वहाँ से। ये देखो भाई जादू है भाई, बंदा जादू समझ रहा ना, देखो भाई कैसे मारता है ये। देखो भाई बस हवा में फायर कर रहा भाई, इधर उधर गोलियाँ चिपक रही है बराबर नो उसको। बस देखते जाओ अभी ये क्या क्या सीन करता है। तो बस आपके इस तरीके से इजीली प्लस निकालना है डेली भाई। अभी कॉन्करर आज है 4430 के ऊपर। ठीक है, आपके 10 बजे या 9 बजे रैंक आपको 300 तो होनी चाहिए आपकी रैंक 9 बजे। ठीक है, तो आपका कॉन्करर पक्का समझ लो। ठीक है, अगर आपकी रैंक भाई चल जाती है 9 बजे ही 430 के ऊपर या फिर 420 के ऊपर, तो भाई आपको एक मैच खेल लेनी है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, फिलहाल के टाइम के लिए, बिकॉज बहुत सारे बंदे पुश कर रहे हैं, तो भाई वो भी ज़्यादा पॉइंट लगा के चल जाती है। ठीक है, तो देखो अभी मर गया था, ये 2 बंदे थे, तो इसने वन मैंने पेल दिया, बहुत ही बढ़िया। तो शाबाश लोंडो, ऐसे टीम अप करो, तुम भी बैन होने वाले हो, बट यहाँ पे मिल जाए वाले बैन नहीं लगा रहे टीम अप वालों को, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा एंड बाय बाय।